चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शिवपुरी के करेरा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी सभा ली। दोनों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने दुष्यंत कुमार की गजल सुनाते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 15 महीने में सिर्फ वल्लभ भवन में बैठकर रुपए गिनने का काम किया है। वहीं उमा भारती ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी सत्ता का मोह नहीं है। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने वही किया और वही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। दोनों ने ही बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव के लिए जनता से वोट मांगे। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में तेज नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए 3 तारीख को कमल के फूल के बटन पर मोहर लगाकर जसवंत को विधानसभा में भेजो। और विश्वास रखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती जी और शिवराज सिंह जी आपकी प्रगति और विकास करके रखेंगे।